Hey friends, I am Richa and I welcome you once again to Parcham Classes. आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, राइट? इससे पहले हम एशिया का पॉलिटिकल मैप कर चुके हैं, एशिया का फिजिकल मैप कर चुके हैं, यूरोप का भी पॉलिटिकल मैप कर चुके हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद अफ्रीका एंड लेटर जितने भी कॉन्टिनेंट्स बचे हैं उनके पॉलिटिकल और फिजिकल सारे मैप्स हमें कवर करने हैं, ठीक है? सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले. यू कैन सी ऑन द मैप हियर. अच्छा, बेस्ट विजिबिलिटी के लिए अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो 50% पे सेट कर लीजिए, तो आई थिंक काफ़ी ठीक ठाक ये मैप आपको दिख जाएगा. आगे आने वाले पोर्शंस में हमने जूम्ड इमेजेस ली हैं, सो द कंट्रीज विल बी वेरी मच विजिबल, राइट? सो ये है अफ्रीका का पूरा पॉलिटिकल मैप जिसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं. इस बार मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता देती हूँ. देर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका, राइट? इंक्लूडिंग द आइलैंड कंट्रीज जो अफ्रीकन टेरिटरी में आती हैं. एंड सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ 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 पे अल्जीरिया. ओके, दैट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री एंड ऑलमोस्ट 7% जो पूरे अफ्रीका का है वो कवर करती है अल्जीरिया बाय लैंड एरिया. एंड सबसे छोटी कंट्री छोड़ दूँ आपके लिए सवाल? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे छोटी कंट्री अफ्रीका की कौन सी है, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. करें स्टार्ट 54 कंट्रीज. ओके, वीडियो को यहीं पर एक बार पॉज करिएगा. कोई भी मैप याद करना है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या प्रोसेस रहेगा. सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज़ के नेम एक बार पढ़ने हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको रीड नहीं करवा रही हूँ बिकॉज वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा. तो आप वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो, चाहो तो वापस देख लीजिएगा. एक बार कंट्रीज़ के नाम रीड आउट कर लीजिएगा 54 कंट्रीज़ के. दैट विल बी यू नो हेल्पफुल इन मेमोराइजिंग द कंट्रीज. नहीं करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, याद तो मैं करवा दूंगी, बट आइडियल तरीका वो होना चाहिए सबसे पहले एक बार आप कंट्रीज रीड कर लीजिए, उसके बाद जो मैं वीडियो बता रही हूँ टेक्निक छोटी छोटी बीच में बता रही हूँ वो याद कर लीजिए. खाली मैप लेके बैठिए, टेक्निक को याद करके मैप फिल कीजिए, एंड लास्ट में विदाउट टेक्निक्स ऑटोमेटिकली आपको वो मैप फिलिंग और मैप पिक्चराइजेशन दिमाग में सेट हो जाएगा. तो ये चार स्टेप है मैं हमेशा बताती हूँ, राइट? और चलो शुरू करते हैं. सो हमने क्या किया कि जो अफ्रीका का मैप है ना, इसमें कुछ एक इमेजेस थी जो हमें किसी ना किसी चीज़ से मिलती जुलती सी लगी, तो दैट वी हैव टेकन. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कम ऑन. ओके, सो देखो यहाँ पे कुछ एक कंट्रीज हैं जिनका शेप मिला करके, जिन कंट्रीज को मिला करके मुझे लगा कि ये थोड़ी डॉग जैसी इमेज बना सकती है ना. अगर आपको दिख रहा हो पपी या डॉग जैसी इमेज ये बनी हुई, सो इसमें टोटल आ जाएंगी हमारी 5 कंट्रीज, ठीक है? कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो कंट्री आएगी, नेम आपको दिख नहीं रहा होगा मैं लिख देती हूँ, दिस इज अल्जीरिया. कौन सी कंट्री है? अल्जीरिया. दिस इज नाइजर, बोलिएगा मेरे साथ जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे नाइजर. नेक्स्ट इज चैड. ओके, चैड. दिस इज बर्किना फासो, बर्किना फासो. एंड ऊपर यहाँ पे आ जाता है ट्यूनीशिया. ओके, ये बर्किना फासो हो गया और वो ट्यूनीशिया हो गया. तो ये 5 कंट्रीज आ रही हैं हमारे इस पपी या डॉग शेप में, राइट? तो ये हम देखेंगे और इसके आसपास ये वाले कंट्रीज में एक बार फटाफट रीड कर लेती हूँ बिकॉज हम पहले ये पोर्शन लेंगे द वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका और उसको याद करेंगे, फिर हम आएंगे ऑन द ईस्टर्न साइड एंड देन सेंट्रल एंड सदर्न साइड ऑफ अफ्रीका, ठीक है? तो देखो एक इमेज हमें ये दिख रही थी पपी जैसी, एक इमेज हमें ये दिखेगी जो थोड़ा सा, बताओ मुझे इमेजिन करके कैसी सी लग रही है ये. मेरा इमेजिनेशन तो जाता है कि ये डोनाल्ड डक में जो डेजी डक थी ना उसके जैसी लगती है मुझे, है ना? आईज इमेजिन कर लो यहाँ पे, राइट? सो मैंने इसको इमेजिन किया है डक का साइड प्रोफाइल जो होता है, और डक ने अच्छी सी ड्रेस और सॉक्स वॉक्स पहन रखे हैं, ठीक है? और एक और इमेज हमें दिख रही है यहाँ पे, ये फ्लावर जैसी दिख रही है कुछ, या सो दिस इज द फ्लावर, और यहाँ आसपास थोड़ा हम पानी इमेजिन कर सकते हैं. सो ये कुछ एक इमेजेस मुझे लगी जिनको हम यूज करेंगे एंड वी विल बी लर्निंग द एंटायर मैप ऑफ अफ्रीका विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजेस, ठीक है? चलो सबसे पहले हम लेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका और उससे हम कंट्रीज याद करते हैं. सो मूविंग ओवर टू द, हाँ अब दिख रहा है अच्छे से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो इसको कर देते हैं बंद. तो सबसे पहले तो यही 5 कंट्रीज हमको याद करनी है. कौन कौन सी? ये देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो ये एल शेप बन रहा है ना? यहाँ से नहीं देखना चाहो, यहाँ से देख लो, इधर से और इधर, ये एल शेप बन रहा है. तो एल एल हर जगह से एल आ रहा है, तो ये जो फेस है डॉग का ये एल शेप से हो गया
एल्जीरिया, क्या हो गया? एल्जीरिया, ठीक है। अब डॉग का ये पाँव है और ये ना फंसा हुआ है, इसीलिए चुपचाप एक जगह बैठा हुआ है, वरना ये बैठेगा नहीं। पपी है ये, है ना, पपीज आराम से बैठते नहीं है, भागा दौड़ी करते रहते हैं। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इसका पाँव फंसा हुआ है। तो फंसे से आपको ध्यान रखना है, बर्किना फासो। क्या है ये कंट्री? बर्किना फासो। डन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो इसका पाँव है पीछे वाला हिस्सा, ये चढ़ के बैठा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर। डॉग अगर बैठेगा तो किसी चीज़ पे चढ़ के बैठेगा, है ना। तो ये चढ़ के बैठा है, चढ़ से हो जाएगा चैड। द कंट्री इज चैड, राइट। अब आ जाते हैं इसके टमी, पेटू पे। हाँ, सो पेट यानी इसको खाना कौन खिला रहा है या किसका डॉगी है मेनली, हु फीड्स हिम? तो ये है नाई का डॉगी, कोई एक नाई है, नाई होता है बार्बर, है ना, किसी नाई का डॉगी है ये, किसी ना किसी का तो होगा। सो नाई से हो जाएगा नाइज, नाइजर। सीधे याद रखना चाहो तो भी रख सकते हो, राइट। सो एल्जीरिया से जर लेके और नाइजर भी आप याद रख सकते हो। मैं छोटे छोटे हिंट दे रही हूँ, डायरेक्टली किसी को अगर कोई कंट्री आती है पहले से तो आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, मैं ये अज्यूम करके पढ़ाती हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। सो एल्जीरिया, फेस एल शेप, एल्जीरिया, चढ़ के बैठा है तो चैड हो गया, पाँव फंसा हुआ है तो बर्किना फासो हो गया, और नाई का डॉगी है क्योंकि नाई इसको खाना खिलाता है, पेट में खाना जा रहा है नाई का, सो नाई से नाइजर हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे, ये हम बाउंड्री बना देते हैं, आपको इधर इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये जो इसका ना ये कान जैसा इमेजिन कर सकते हैं, टिन्नू सा कान है एकदम, इतना बड़ा मुंह और इतना टिन्नू सा कान, तो टिन्नू से हम कर सकते हैं ट्यूनीशिया। क्या लर्न कर सकते हैं? ट्यूनीशिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्यूनीशिया आपको पढ़ने में आ रहा होगा। तो दीज आर द फाइव कंट्रीज, याद हो गई, कुल। अब इनके थोड़े आसपास की कंट्रीज फटाफट याद कर लेते हैं, ये सारी हमें लर्न करनी है। ये वाला पार्टी है जिसमें बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बाकी तो अफ्रीका इज क्वाइट सिंपल, सुलझा हुआ था। सो अब हमें करना है अल्जीरिया के राइट साइड में, ये एक बड़ा सा कंट्री आपको दिख रहा है एरिया वाइज, दैट इज लिबिया। कौन सा कंट्री? इट इज लिबिया। तो अब देखिए, एल से सेम साउंड था एल्जीरिया, और अगर आप स्पेलिंग वाइज जाओ तो एल से शुरू हो रहा है लिबिया, या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप दो बड़ी कंट्रीज, ए से अल्जीरिया आ गया, नेक्स्ट लेटर इज एल, एल से लिबिया आ गया, नहीं तो जब मैं इजिप्ट कराऊंगी तो हम एक और एसोसिएशन देखेंगे। तो अभी के लिए अल्जीरिया और लिबिया साथ में याद रख लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक लिबिया याद रखा जा सकता है, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये देखो नाइजर था, नाइजर के जस्ट नीचे, नाइजर से नाइजीरिया, हाँ, नाइजर नाइजीरिया, तो ये नाइजीरिया हमारा कवर हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, ये पपी इस साइड फेस करके, यानी वेस्ट की साइड फेस करके बैठा है, मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्या कर रहा है? यूजली ना एनिमल्स जब किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं ना, घात लगा रहे होते हैं या टारगेट कर रहे होते हैं, तो एकदम चुपचाप बैठते हैं, जैसे किसी बर्ड को पकड़ना हो, है ना, पपी को। तो ये बर्ड फोकस कर रहा है मोर के ऊपर, किस पे फोकस कर रहा है? मोर के ऊपर। तो ये देख रहा है मोर को, किसको देख रहा है? मोर को। तो ये कंट्री आ गया हमारा मोरक्को, ठीक है, डॉग की आईज के बिल्कुल सामने, कौन सा कंट्री है? मोरक्को, फाइन। अब देखो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाते जाएंगे, अफ्रीका में एक बहुत फेमस डेजर्ट आता है सहारा डेजर्ट, ठीक है, वेस्टर्न साइड में है वो, तो मोरक्को के बिल्कुल नीचे ये जो आपको कंट्री दिख रहा है ये आ जाता है वेस्टर्न सहारा, ओके। अच्छा मैं यहाँ पे एक करेक्शन बता दूँ, ये जो आइलैंड्स बने हुए हैं ना और इस पर केप वर्डे आइलैंड लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये कैनरी आइलैंड्स हैं, है ना, और ये आते हैं, ये इस मैप में गलती थी, बट क्योंकि थोड़ा विजिबल सा मैप था और मैंने इसमें कलरिंग एंड ऑल कर दिया था तो आई हैव यूज्ड इट। ये कैनरी आइलैंड है, स्पेन का पार्ट आ जाता है यूरोप में, ठीक है, जो केप वर्डे आइलैंड्स हैं ना वो यहाँ गैम्बिया के आसपास यहाँ कहीं पड़ते हैं, ठीक है, तो हैं केप वर्डे भी अफ्रीका का पार्ट, पर वो उधर नहीं है, वो नीचे की साइड में कहीं है, ठीक है। आई थिंक इससे प्रीवियस वाले मैप में वो दिख रहे होंगे, लेट मी जस्ट शो इट टू यू, हम गलत चीज़ ना पढ़ें तो बेटर है, है ना, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो ये दिख रहा है ना, ये है केप वर्डे, मॉरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, इसके आसपास आते हैं ये केप वर्डे आइलैंड्स, है ना, और ये जो अभी अपन जो मैप करे थे ना उसमें इनको केप वर्डे दिखा रखा है, कैबो वर्डे या केप वर्डे, जबकि वो जो ऊपर वाले हैं दे आर कैनरी आइलैंड्स, याद रखिएगा, केप वर्डे नीचे वाले, ठीक है। आ जाते हैं वापस हमारी इमेज पे, सो हम कहाँ थे? वेस्टर्न सहारा, ठीक है, तो वेस्टर्न सहारा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि मोर, मोर कहीं ना कहीं तो घूम रहा होगा ना, कहाँ घूम रहा है? मोर घूम रहा है सहारा डेजर्ट में,
तो मोर को कहाँ देखा? सहारा डेजर्ट में। अब डेजर्ट में नीचे तो बैठा नहीं होगा, गर्म रेत होती है, वो बैठा है टहनी पर। मोर कहाँ बैठा है? टहनी पर। मोर टहनी से हो जाएगा मॉरिटानिया, मॉरिटानिया। और टहनी वहनी की बात आती है, पेड़ वेड़ की बात आती है तो माली, माली अंकल है ना, तो मॉरिटानिया के पास में आ जाएगा माली, राइट। सो आप चाहो तो एक और छोटा सा हिंट से भी याद रख सकते हो कि जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो मोर दिखते हैं ज्यादा, है ना, बारिश वारिश का, बादल का मौसम हो जैसे आजकल हो रहा है। सो मौसम MSMM, ये हिंट भी आप यूज कर सकते हो, MSMM, मोरक्को, सहारा, मॉरिटानिया, माली। नहीं तो जो मैंने आपको बताया, मोर सहारा डेजर्ट में था, टहनी पे बैठा था, माली जी देख रहे थे या माली जी उठ काटने आ गए, तो ये चारों कंट्रीज आपको ऐसे याद हो गए। यहाँ तक ही क्लियर है? ये पांच कंट्रीज, लिबिया, नाइजीरिया और ये चार कंट्रीज, यहाँ तक हो गया। अब हम आएंगे इस घचड़ पचड़ वाले एरिया पे, है ना, यहाँ पे छोटू छोटू बहुत सारे कंट्रीज हैं। सो कौन कौन से फटाफट से रीड करते हैं फिर याद करेंगे। सो सबसे पहले आता है सेनेगल, बोलते जाइएगा साथ में, सेनेगल। ये जो बीच में थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज गैम्बिया। व्हाट इज इट? गैम्बिया। देन ये वाला हिस्सा, दिस इज गिनी बिसो, गिनी बिसो। इसके पास में आ जाता है गिनी, दिस इज सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डी आइवोर, घाना, टोगो, बेनिन। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हमको लर्न करने हैं। इसके लिए छोटी सी स्टोरी हम सुन लेते हैं। अगर आप सीधे करना चाहो बहुत अच्छी बात है, किसी एब्रीविएशन का इस्तेमाल करना चाहो तो भी अच्छी बात है, और मेरी स्टोरी यूज़ करना चाहो तो भी अच्छी बात है, जैसे याद हो जाना चाहिए अल्टीमेटली। सो इसके लिए अब हम पिक्चर क्या बना रहे हैं, जल्दी से एक अपना विजुअलाइजेशन दिमाग का ऑन कर लीजिएगा। एक सिने गर्ल है, सिने गर्ल क्या होती है, जो सिनेमा वगैरह में काम करी, एक सिने गर्ल है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा, मैं अंडरलाइन भी करती जाती हूँ ताकि आपको हिंट्स पकड़ में आते जाएं। सिने गर्ल है, वो बहुत गम में बैठी है, गम समझते हैं, दुख में, बहुत गम में बैठी है। क्यों बैठी? हमने पूछा क्या हो गया भाई, क्यों गम में बैठे हो? बोले मेरी गिन्नी गुम गई। गिन्नी समझते हैं, अशर्फी, मुद्रा, गिन्नी, हाँ, अशर्फी एंड ऑल। सो गिन्नी गुम गई, हमने बोला बीस एक कुछ होंगी सोने की गिन्नियाँ गुम गई। बोले नहीं, एक ही घूमी है। कितनी घूमी? एक ही गिन्नी घूमी है, राइट। सो सिने गर्ल गम में बैठी है, गिन्नी गुम गई, बीस नहीं एक ही गिन्नी घूमी है, ठीक है। हमने बोला एक गिन्नी के लिए क्या रो रहे हो यार, इतना गम में बैठे। उसने बोला अरे नहीं, एक गिन्नी से क्या क्या नहीं ले सकते, सहरा खरीद सकते हैं भाई के लिए, बेर ला सकते हैं हम खुद के लिए, और कोट खरीद सकते हैं, बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या खरीदना चाहती थी वो एक गिन्नी से? सहरा, बेर और कोट, ठीक है। और बेर, चलो अभी यही स्टोरी बताती हूँ। सो उसका सारा गाना चालू हो गया कि मैं ये भी खरीदती, मैं वो भी खरीदती, मैं वो भी खरीदती। इतने में किसी एक इंसान ने आके टोक दिया, ये लो बहन मिल गई आपकी गिन्नी, माफ करो, ठीक है, हमें आपका गाना नहीं सुनना है। सो सिनेगल गम में थी, गिन्नी गुम गई है, हमने बोला बीस नहीं एक गुमी है, क्यों परेशान हो, क्या क्या खरीदती वो जल्दी जल्दी बताओ? सहरा, बेर, बेर समझते हो ना, बेर खाने वाले, हाँ, और बेरीज जिन्हें बोलते हैं, और कोट खरीदती। तो उसका गाना चालू हो गया, वो क्या क्या खरीदती, इतने में किसी ने टोका कि लो बहन गिन्नी मिल गई, हमें माफ करो। ओके, सो अब जल्दी से कंट्रीज देख लेते हैं। सिनेगल से सेनेगल, गम से गैम्बिया, गिनी गुमी बीस, सो गिनी बिसाओ, बीस नहीं एक गुमी थी तो गिनी। ओके, सहरा ले सकते हैं तो सियरा लियोन, बेर ले सकते हैं तो लाइबेरिया। ओके, कोट ले सकते हैं तो कोट डी आई वॉयर, गाना चालू हो गया उसका, क्या क्या खरीद सकते हैं तो घाना, टोक दिया किसी ने बीच में टोगो के लो बहन मिल गई आपकी गिन्नी, बहन से बेनिन, और गिन्नी मिल गई है तो ये आ गई इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ पे इधर ये कैमरून अभी मैंने बताया नहीं, मैं बता देती हूँ, पपी के नीचे है, अभी बताते हैं। तो बहन गिन्नी मिल गई तो एक और गिनी है इक्वेटोरियल गिनी, तो गिनी बिसाओ, गिनी एंड इक्वेटोरियल गिनी, ये तीन कंट्री आते हैं गिनी के नाम से, ठीक है। स्टोरी याद होगी, सिली है, ऑब्वियसली सिली होगी, एक्सपेक्ट मत करो निमानिक साइंस में कुछ लॉजिक होगा, राइट। अब देखो ये पपी के नीचे ना, यहाँ ये देखो, आई डोंट नो आपको कौन सा कलर दिख रहा है, मेरे को थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है, ये मुझे हल्का सा हाँ, थोड़ा सा पिकॉक जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, ज़रूरी नहीं आपको भी पिकॉक दिखे, कुछ भी दिख सकता है, कुछ ब्यूटीफुल सा बर्ड इमेजिन कर लो, कुछ तो भी ब्यूटीफुल सा है। तो हमने बोला जल्दी से कैमरा लाओ, इसको कैप्चर करते हैं, कुछ डिफरेंट सा दिख रहा है। सो पपी के जस्ट नीचे कुछ ब्यूटीफुल सा है और हम उसको कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कैमरून है। ओके, और कैमरून के जस्ट नीचे आ गया इक्वेटोरियल गिनी। डन, जितने कंट्रीज दिख रहे हैं यहाँ पे सब याद हो गए, कुछ बचा? नहीं बचा,
गुड। सो ये स्टोरी आपको वाहियात सी स्टोरी याद रखनी पड़ेगी, वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं। अगर एक बार आपने पिक्चर बना ली, सिनेगल है ठीक है, और गम खा के बैठी हुई है, हमने बोला क्या हो गया, गिन्नी गिर गई, 20, 1, क्या क्या खरीद लेते उससे, वो चालू हो गई, क्या क्या खरीद लेते भाई, सहरा खरीदते, बेर खरीदते, कोट खरीदते, गाना चालू, हमने टोक दिया, बहन मिल गई आपकी गिन्नी, छोड़ो हमें, सिंपल, कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चल जाओ भाई प्लीज। ओके राइट, सो वी आर डन विद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, मूविंग ओवर टू द ईस्टर्न साइड। सो यहाँ पे आपको एक तो ये हमारी डेजी डक दिख रही है ना, और लीबिया तक हमने कवर कर लिया था, ये चैड चढ़ के बैठा था पपी, कैमरून हमने कर लिया था, और ये क्या था कैमरून के नीचे, जल्दी बताओ कौन सी गिनी थी, इक्वेटोरियल गिनी, शाबाश। अच्छा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों मेन लैटिट्यूड्स गुजरते हैं, कौन कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, कौन कौन सी कंट्रीज से होके गुजरते हैं, इसका वीडियो बन रखा है, आप वर्ल्ड मैप सीरीज में जाके देख सकते हो, ठीक है, वो लर्न करवा रखा है वहाँ पे। सो दिस इज अनदर फैक्ट दैट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग। सो यहाँ तक हो गया था इक्वेटोरियल गिनी तक, अब देखो ये है इजिप्ट, याद है ये सिनाई पेनिनसुला हमने पढ़ा था जब हम एशिया पढ़ रहे थे, है ना, सिनाई पेनिनसुला की हमने बात की थी कि ये एशिया में भी कवर होता है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो ये अफ्रीका का ही पार्ट है, राइट। सो ये इजिप्ट हमें पता है क्योंकि यहाँ एशिया है, सो इजिप्ट वी नो, है ना, इजिप्ट के पिरामिड, जिससे मैंने एक पिरामिड जैसी शेप बना रखी है, आपको और थोड़ा याद रह जाएगा। अब लर्न करना शुरू कर रहे हैं ये सारे कंट्रीज, कौन कौन से करने, रीड करें फटाफट, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गेबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज इथियोपिया, इथियोपिया, उसके नीचे आता है कीनिया या केन्या बोलते हैं अगर आप, कीनिया है ये, दिस इज तंजानिया, तंजानिया, दिस वन है ना ये यहाँ पे, दिस वन इज बुरुंडी, अच्छा सा नाम है, एंड दिस वन इज रुआंडा, ठीक है, ये युगांडा है, ये रुआंडा हो गया, और ये कोमरोस, ओहो ये स्पेलिंग गलत है, आर नहीं है यहाँ पे, ये कोमरोस आइलैंड्स हो गए, और ये मैप में दिखा नहीं रखा, यहाँ पे कहीं पे सेशल्स आइलैंड है, सेशल्स, SEYCHELLES, ठीक है, एंड दिस इज सोमालिया, ये वाला पोर्शन है डिबूटी, इसको कैसे पढ़ते हैं, डिबूटी, ये वाला हो गया एरिट्रिया, व्हाट इज इट, एरिट्रिया, एंड दैट इज इट, ठीक है। तो ये सारी कंट्री अभी हम याद करेंगे, चलो। सो अब आपको जाना है साहब इजिप्ट के पिरामिड्स देखने के लिए, कहाँ जाना है, इजिप्ट के पिरामिड देखने जाना है। तो अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप साउथ से उड़ान भर के जाओ प्लेन से, ठीक है, या तो आप साउथ से उड़ान भर के जाओ, तो साउथ से उड़ान, उड़ान से आप सूडान, सूडान ध्यान रखोगे, साउथ सूडान, सूडान एंड इजिप्ट, या तो उड़ान भर के पहुंच जाओ, या फिर आप कार से या कार में चढ़ के भी, अपनी कार को चढ़ा के भी ले जा सकते हो इजिप्ट के पिरामिड तक। आप पूछोगे कार चढ़ लेगी, मैंने कहा कार चढ़ ली मेरी तो कब की चढ़ चुकी वहां तक कार, आप अपनी कार ले जाना चाहो तो आप भी चढ़ा लो, ठीक है। सो कार से आ जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और वैसे भी अगर आप इसको पूरे मैप में देखोगे ना, सेंटर में पड़ता है, ठीक है। सो कार चढ़ ली, ऐसे भी आप इजिप्ट पहुंच सकते हो, नहीं तो आप साउथ से उड़ान भर के भी इजिप्ट पहुंच सकते हो, दोनों तरीके बता दिए, बाय रोड एंड बाय एयर। हाँ, सो कार चैड आपको वैसे तो याद ही है, फिर भी आपको अगर इस टेक्निक में भी इनकॉर्पोरेट करना है तो आप कर सकते हो, आपकी कार चढ़ ली, लिबिया मैंने कहा था यहां से एसोसिएट करेंगे, सो कार चढ़ ली इजिप्ट पहुंच गए, नहीं तो साउथ से उड़ान भर के आप इजिप्ट पहुंच गए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पे घूमते हैं पहले, ठीक है, इधर थोड़ा बाद में आएंगे। अब देखो यहां से आते हैं, ये इक्वेटोरियल गिनी थी, वो गिनी वाली पूरी स्टोरी थी सिनेगल की, अब उसी से एसोसिएट करते हैं कि आपने गिनी विनी पकड़ा दी, एंड नाउ आप आपस में बात कर रहे हो कि बढ़िया है भाई, गबन नहीं हुआ उस बंदी के साथ में, उसको उसकी गिनी विनी मिल गई, गबन यानी कुछ, गबन क्या बोलेंगे हम, कुछ मिस्चेफ, कुछ धोखाधड़ी नहीं हुई है ना, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि उसका कुछ किसी ने चोरी कर लिया, सो गबन नहीं हुआ, सो कॉन्ग्रैट्स यार, हमने अच्छा काम किया है ना, शाबाश शाबाश, कॉन्गोज, कॉन्ग्रैट्स के लिए कॉन्गोज भी बोलते, नहीं तो कॉन्गो बजाते हैं, सो लेट अस हैव अ पार्टी, कॉन्गो बजाते हैं,
ठीक है, वी हैव डन समथिंग गुड, किसी को गिन्नी ढूंढ के दी है जिससे वो पता नहीं क्या क्या खरीद लेती. सो गबन नहीं होने दिया हमने उस पर्सन के साथ में. सो चलो कॉन्गो बजाते हैं, पार्टी करते हैं. आप कॉन्गो बजाना शुरू हुए क्योंकि अफ्रीका है, पीपल लव म्यूजिक, तो आपको देखते देखते पूरी की पूरी पब्लिक कॉन्गो बजाने आ गई है. सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो एंड DRC, है ना, इसको आप चाहो तो DRC से भी याद रख सकते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. गबन नहीं होने दिया, कॉन्गो बजाया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ठीक है, अब इसी से आप ये चीज चाहो तो याद कर सकते हो, युगांडा, जहां पब्लिक इकट्ठा हो रही है या जहां से उड़ान भरी जा रही है, जहां से कारवार जा रही है, उसके आसपास पॉल्यूशन, कचरा होना जरूरी है, होगा ही, है ना, तो गंदा हो गया है सब कुछ. यहां से फ्लाइट ने उड़ान भरी तो मिट्टी मिट्टी से गंदा हो गया, यहां पे पब्लिक थी तो उन्होंने खाने खा के सारी पार्टी के बाद रैपर्स फेंके, तो गंदा से युगांडा याद रख सकते हैं. हिंट की जरूरत है, ठीक है, एक दो बार हिंट यूज करेंगे फिर तो मैप दिमाग में आ ही जाएगा. तो साउथ सूडान के नीचे आता है युगांडा. ओके, चलिए, और आप चाहो तो इसको ऐसे यू शेप भी इमेजिन कर सकते हो, है ना, इससे यू से युगांडा याद आ जाएगा. सो ये युगांडा हो गया, DRC हो गया, कॉन्गो, कार, ये सब हो गया. अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, ये जो सोमालिया, डिबूटी, एरिट्रिया, इथियोपिया, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. क्या कहा जाता है? हॉर्न, हॉर्न यानी सींग, जैसे राइनोसोर गैंडा होता है ना, गैंडे के नाक पे सींग होता है, सींग होता है, ठीक है. सो इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. हाँ, तो अब इसको कैसे याद रखें, देखो ये थोड़ा बाहर निकला हुआ एरिया है, अलग थलग थोड़ा खाली सा, तो यहाँ पे ना सौ माली मिलके कुछ ना कुछ अच्छी प्लांटेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं अलग सा अलग थलग सा एरिया है, आसपास इंडियन ओशन भी पड़ जाता है, सो लेट मी डू समथिंग नाइस. तो यहाँ पे सौ माली कुछ उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ उगा रहे हैं, ठीक है, और जो आसपास बड़े बड़े जंगल पेड़ थे उनको आरी से कट कर दिया. सो आरी से ट्री काटे, जड़ी बूटी उगाने के लिए 100 माली यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है. आरी से ट्री काटे तो एरिट्रिया हो गया, जड़ी बूटी से डिबूटी याद रखिएगा, हाँ, और सोमाली से सोमालिया, तो ये तीनों कंट्रीज याद हो गए, एरिट्रिया, डिबूटी, सोमालिया. अब ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये प्लांटेशन वगैरह का, तो ये डक जो है हमारी डेजी डक, ये बहुत एनवायरमेंट लवर है, ये खड़े होके देख रहे हैं, हाँ, अब ये खड़े होके देख रही है तो ऐसे बोरिंग सी चुपचाप थोड़ी खड़ी रहेगी, ये कुछ गा रही है, राइट, शी इज गुनगुनाइंग समथिंग, सिंगिंग समथिंग. व्हाट इज शी सिंगिंग? ओपिया ओ पिया ओ पिया, ऐसे कुछ, सो कुछ तो भी सॉन्ग है. आई एम सो सॉरी, आई मूव माई कैमरा. सो इस तरह का कोई एक सॉन्ग है दैट शी इज सिंगिंग. या जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. या वी आर गुड. जो ये माइक का वायर है, आई जस्ट हैपन टू पुल इट. सो एनीवेज, ठीक है, सो शी इज सिंगिंग ओ पिया सॉन्ग. ठीक है, इमेजिन करना, रटने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें. एक डक, डेजी डक खड़ी और वो ओपिया ओपिया सॉन्ग गा रही है. नेक्स्ट, इस डक ने पहना क्या हुआ है वो पिक्चर बना लो. कीनिया की टी शर्ट होती है, क्रिकेट टीम देख लो कीनिया की, उसकी जो टी शर्ट है दैट शी इज वेयरिंग, नीचे टार्जन का जो वो टाइगर की खाल का या पत्तों का वो स्कर्ट जैसा नहीं होता टार्जन का, वो इसने पहना हुआ है. पिक्चर बनी, ओपिया सॉन्ग गा रही है, कीनिया की टी शर्ट पहनी हुई है, टार्जन का स्कर्ट पहना हुआ है, ठीक है. और नीचे अभी दिख नहीं रहा है इस इमेज में, नेक्स्ट इमेज में दिखेगा, ये मोजा पहना हुआ है इसने, एक ग्रीन कलर का, ठीक है. चलो, अब डेजी डक थी, नॉर्मल डक की अगर हम बात करें, डक्स अंडे देती हैं, बतख अंडे देगी, ठीक है, पका हुआ अंडा देती है कि कच्चा अंडा देती है? रॉ अंडा देती है, डक रॉ अंडा देती है, रॉ अंडा से रुआंडा. लेकिन ये जो डक है ना, गाने वाली डक, ये बहुत बुरा अंडा देती है, मतलब इट टेस्ट सो बैड, आप खा नहीं सकते हो इसके अंडे को. ओके, सो रॉ अंडा बुरा, सो बुरुंडी, बुरा अंडा, हाँ, बुरुंडी आप याद रख सकते हैं. सो दीज आर छोटा छोटा वियर्ड वाहियात नॉनसेंस हिंट्स दैट आई एम गिविंग, बट आई मीन आई नो दीज आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि जितनी अजीबोगरीब सी चीज़ होगी उतनी दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है, आप बोलोगे क्या है ये, व्हाट नॉनसेंस, बट दिस नॉनसेंस इज गोना स्टे, है ना, ये आपके दिमाग में रहेगी. सो ये सब याद हो गया. इजिप्ट, या तो साउथ से उड़ान भर के जाओ या फिर आप अपनी कार चढ़ ली आपकी तो ठीक है. आरी से ट्री कट कर रहे हैं, जड़ी बूटी सोमाली उगा रहे हैं, ये डक ओपिया गाती है, किनिया की टी शर्ट पहनती है, टार्जन की स्कर्ट पहनती है, सो तंजानिया हो जाएगा. देन गंदा से युगांडा हो गया, रॉ अंडा से रोआंडा, बुरी से बुरुंडी. ओके, एंड ये हमने देख ही लिया था DRC, उससे पहले कॉन्गो, उसके उधर गबन.
डन 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 कुल। अब हम चलते हैं हमारे साउथ वाले पार्ट पे एंड लेट्स सी कौन से कंट्रीज बचे हैं। प्लीज ऑन हो जाइए, थैंक यू। कैन वी हैव ऑलराइट। सो ये सब हटाते हैं हम। राइट अच्छा, कॉमरोस और सीशेल्स ध्यान रहेगा, तंजानिया के पास में कॉमरोस आइलैंड्स थे, है ना। तो टीसी लेते हैं हम, टीसी से याद रख सकते हो कॉमरोस आइलैंड्स, है ना। टी तंजानिया के पास में कॉमरोस आइलैंड्स और सेशल्स ये रहे ना, ये कॉर नहीं है। सो ये रहा हमारा तंजानिया, तंजानिया के पास में कॉमरोस आइलैंड्स आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे सीशेल्स आइलैंड्स, ठीक है। अब ये देख लेते हैं फटाफट से, ये रहा देखो ये डक थी हमारी, ये इसने मोजा पहना हुआ है तो मोजा से मोजाम्बिक। हाँ देन ये हमारा डीआरसी था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब उसके नीचे आ जाओ, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका वेरी पॉपुलर कंट्री, लिसोथो एंड दिस इज स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का नया नाम भी आ चुका है 2018 में, इट वॉज रीनेम्ड एज ई स्वातिनी, इस स्वातिनी, ओके इस स्वातिनी, राइट। तो स्वाजीलैंड बोलिए, स्वातिनी बोलिए, एक ही बात है। देन दिस इज जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, बस इतने से हमको कंट्री यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एंड ऑफ कोर्स मैडागास्कर, अ वेरी बायोडाइवर्सिटी में रिच आइलैंड है, ओके। सो मैडागास्कर इज हियर। तो चलिए याद कर लेते फटाफट से। देखो साउथ अफ्रीका सबसे साउथ में पड़ रहा है, तो साउथ अफ्रीका के लिए कोई ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है, साउथ में है साउथ अफ्रीका, ओके। अब साउथ अफ्रीका का नाम ना मतलब अंग अंग में बसा हुआ है अफ्रीका के, है ना। साउथ अफ्रीका एक नामी गिरामी अंग है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ऐसे भी याद रख सकते हो। साउथ अफ्रीका कंट्री नामी गिरामी अंग है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। सो साउथ अफ्रीका का नाम या नामी गिरामी है से नामीबिया, अंग है से अंगोला, याद रहेगा साउथ अफ्रीका नामी गिरामी अंग है, सो नामीबिया अंगोला, राइट। अब यहाँ के जो लोग हैं ना साउथ अफ्रीका के, वो लहसुन मुंह में आते ही थूथू कर देते हैं, लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, लहसुन गार्लिक या दे डू नॉट लाइक गार्लिक, सो लहसुन थू कर देते हैं, तो लहसुन थू से लिसोथो, सब्जी बिल्कुल नहीं खाते, सो स्वाजीलैंड, ठीक है। साउथ अफ्रीका में दो चीज़ें नहीं चलती, लहसुन और सब्जियाँ, तो फिर क्या पसंद है भाई, बहुत पसंद है दो चीज़ें, एक है जिम एक है जाम, आहा, ठीक है। सो बहुत पसंद है बहुत से बोत्सवाना, याद रख सकते हो आप, एक तो जिम मसल बिल्डिंग या एंड अनदर इज जाम ड्रिंकिंग। अगर हमें सात्विक बातें करनी है तो जिम जैम बिस्किट बहुत पसंद है अफ्रीकन्स को, ठीक है। छोटे बच्चे भी देखते हैं, मैंने नोट किया है, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बच्चों अफ्रीका साउथ अफ्रीका वालों को क्या पसंद है बहुत, जिम जैम बिस्किट, ओके। और जिम जैम बिस्किट पे फ्लावर बना हुआ होता है ना, तो देखो ये फ्लावर शेप हमने बना रखा है, ठीक है। सो हे आर वी डन, वी आर डन विद द मैप ऑफ अफ्रीका पीपल, ओके। अब किसकी बारी है, टेस्ट, सो लेट अस टेक योर टेस्ट फटाफट से। चलो देखते हैं हमने इतनी जो बकवास की है कितना याद हुआ है आप लोगों को। चलिए ऑलराइट, टेल मी विच कंट्री इज दिस, आई डोंट नो वेदर, हम प्लेन लेते हैं, है ना, लेट मी टेक अ प्लेन वाला मैप, हाँ हिंट भी नहीं मिलेगा। चलो बताओ ये वाला कंट्री कौन सा है, इमेज देख लो, ये पपी वाला इमेज था या और उसका पेट, नाई, नाई से नाइजर या नाइजीरिया, शाबाश नाइजर, ओके ऑलराइट। सारे पूछ लो क्या, नहीं थोड़े थोड़े पूछते हैं, चलिए ये वाला कंट्री बताइए, इससे याद रखिए सिनाई पेनिनसुला से, इजिप्ट, शाबाश, ठीक है। तो ये इजिप्ट हो गया, ये वाला बताइए, जस्ट सी द इमेज, ये डक थी हमारी या? अच्छा जो बीच में थोड़ी थोड़ी इमेजेस दिख रही है ना आपको, जैसे ये दिखा, अच्छा एक और हमने नहीं बताया कंट्री, आई एम सो सॉरी, एक कंट्री रह गया ये वाला, दिस इज मालावी, है ना। पीछे चलते हैं यहीं पे जहाँ होना चाहिए, लेट मी टेल यू देयर ओनली, यो मोजाम्बिक और ये जाम्बिया के बीच में ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज मालावी, मालावी। तो देखो जिम जैम खाने के लिए या जिम और जाम के लिए आपको माल की जरूरत है, पैसा, ठीक है। सो दिस इज माल, सो मालावी, हाँ ऑलराइट, ये रह गया था, ओके
चलो वैभवी। और ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें बीच में दिख रही है ना, जैसे ये आ गया, दीज आर लेक्स, छोटी छोटी लेक्स हैं यहाँ पे, सो वो दिख रही है इमेज में। ठीक है, क्या पूछ रहे थे हम? चलिए आप मुझे बताइए बताइए बताइए, कुछ भी मार्क कर देते हैं, ये बताइए, डिफिकल्ट होने वाला है, ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी। चलो भाई, काम अच्छा चल रहा है हमारा। अब देखो यहां तक पहुंचने के लिए यहां से स्टोरी पढ़ते हुए मत आइए, हम यहां से भी आ सकते हैं। दिस वॉज नाइजर, सो दिस इज नाइजीरिया, है ना, ये दो से यहां पे पहुंचा जा सकता है। किसी ने टोका था कि बहन मिल गया, टोकने से जस्ट पहले वो बहन क्या कर रही थी? गा रही थी, तो घाना, दिस इज घाना। और आप यहां से आना चाहो तो यहां से भी आ जाना, क्या था? सेनेगल, फिर गैम्बिया, फिर गिनी बिसाउ, बिसाउ, फिर क्या क्या खरीद सकते हैं उस गिनी से बताते जाओ, सियेरा लियोन, फिर बेर खरीद सकते हैं, है ना, सो लाइबेरिया, और कोट खरीद सकते हैं, सो कोट दी आई वॉयर। हाँ, गाना चालू हो गया था, तो आप यहाँ से आना चाहो तो यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, और आप चाहो तो इसको इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने एक चीज़ आपको बता दी। चलिए ये वाला बताइए, कौन सा कंट्री है? कुछ अलग सा इमेज है, कैमरा में कैद करना था, कैमरून, शाबाश। चलिए ये बताइए, जल्दी बताइए, ये था साउथ अफ्रीका, हाँ, ये था जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ये बहुत बहुत से बोत्सवाना, ओके। चलो ये वाले आइलैंड बताओ, ये मैंने याद नहीं करवाया, सिर्फ मेंशन किया था, तो देखो इसको याद भी करवा देती हूँ। ये सेनेगल था ना, सेनेगल, तो सिनेमा में लोग अलग अलग वर्दी वर्दी पहनते हैं ना, वर्दी इन द सेंस ड्रेसेस पहनते हैं, तो वर्दी से वर्डे, तो ये केप वर्डे हो गए। चलो ये वाले आइलैंड बताओ कौन से हैं, जल्दी 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 बताइए। दीज आर सेशल आइलैंड, वेरी गुड। एक और रह गया कंट्री, आई एम सो सॉरी, ये रहा, दिस इज मॉरिशियस, मॉरिशियस, वेरी ब्यूटिफुल वन, है ना, मॉरिशियस। और ये जो है ये आ जाता है, ये अगेन यूरोप का पार्ट आ जाता है, सो वी नीड नॉट डू इट हियर। सो विद दिस वी आर डन विद द पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अफ्रीका। आई रियली होप यू फाउंड इट यूजफुल, हेल्पफुल। इसमें से जो ट्रिक टेक्निक आपको लगती है कारगर है, आप ले सकते हो, पूरी यूजफुल लगती है, पूरी ले लीजिए, आई विल बी रियली हैप्पी। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ एक पोर्शंस हमें हेल्पफुल लगे, बाकी हमें याद है, तो एज एन हाउ, जिसको जैसा यूजफुल लगे वो ले सकते हैं। सो जल्दी ही मिलते हैं फ्रेंड्स, नॉट पीपल, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम वर्ल्ड मैप को आगे बढ़ाएंगे फटाफट, जल्दी से मैप्स ख़त्म करेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी और पॉलिटी में बहुत कुछ है जो पढ़ना है अभी, राइट? एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Enjoy, have a nice day, bye-bye.